बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और इससे भी ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरी शादी हो गई है। वहाँ के सिचुएशन जैसे बाहर से दिखता है वैसा नहीं है। एक मिनट भी लगता है जैसे एक महीना है, एक साल, मतलब टाइम नहीं जा रहा है। बट वहाँ पे अच्छे मोमेंट्स भी बहुत है, जैसे जो भी फन टास्क होते थे या फिर गेस्ट लोग आते थे वीकेंड पे, सलमान सर आके इंटरेक्शन करते थे, वो सब बहुत अच्छा लगता था। हम लोग शुरू से ही शॉर्ट थे कि हम उसके उसका फियांसे है, मेरा भी फियांसे है, तो मैं जब दोनों एक दूसरे से क्लियर थे तो हम लोग वो एंगल कैसे बनाएंगे, चाह के भी नहीं बना पाएंगे। हाँ, दोस्ती में हम लोग हंसी मजाक ऐसे गिर रहे हैं, ऐसे हाथ लगा रहे हैं, फिर ऐसे टास्क भी आते थे बिग बॉस की तरफ से, मुझे उसके गाल पे किस करना है, ऐसा वैसा, तो वो सब भी वो तो करना ही पड़ेगा, वहाँ पे जब हैं तो आप तो ये सब चीज़ें तो आपको करना ही है। तो वो एंगल हमने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे ये सब स्ट्रैटेजी बना के एंड तक चलना है। साफ दिल, कमिटेड, सेल्फ सेंटर्ड, वेरी ब्यूटीफुल, अमेजिंग स्माइल, हॉरिबल। हम 8 साल से तो साथ में है ही, और ऐसे ही मतलब सिर्फ सिंदूर एंड मंगलसूत्र नहीं था मेरे गले में, अदरवाइज 8 साल से हम लोग वैसे ही थे जैसे एक शादीशुदा कपल जैसे रहते हैं। बाहर जाना, साथ में रहना, कुछ भी, मतलब ये फिल्म्स भी हम लोग साथ में करते हैं, तो ऐसा कभी हम लोग ऐसे रहते रहते हमारे पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे थे कि आप लोग जल्दी शादी कर लो, शादी कर लो। हम भी काफ़ी टाइम प्लान किए थे कि हम शादी करेंगे, बट समहाउ नहीं हो पा रहा था, टल रहा था, कुछ हो रहा था, क्योंकि लिखा यही था कि यही होगा बिग बॉस हाउस के अंदर, अनएक्सपेक्टेड मतलब सरप्राइज़ मुझे मिलेगा, तो इसीलिए। बट ये फेक जो बातें आ रही है उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग वैसे नहीं हैं, हम लोग तो मतलब नॉर्मल फैमिली से आ रहे हैं एकदम, मतलब तो इस टाइप का सोच हम लोग नहीं रखते हैं, वो भी और मैं भी, हम लोग बहुत सिंपल हैं, तो इस टाइप का सोच नहीं रख सकते कि हाँ चलो 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 TRP के लिए हम लोग कुछ भी कर लेते हैं। नहीं, ये जेन्युइन है और ये वक्त आने पे भी पता चलेगा, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और ये अल्टीमेटली अब नहीं होता तो 2-4 महीने बाद तो हो ही जाता। सुबह उठ के मैं डांस करती थी जो यहाँ पॉसिबल नहीं है, और बिग बॉस का आवाज़ जो हमेशा मतलब बोलते थे, ऐसे ऐसे बोलते थे ना, इतना हंसी आती थी मुझे, ऐसे भी बोले कि आप फुसफुसा कर भी बात नहीं कर सकती। डेफिनेटली मैं, मेरे दोनों दोस्त अंदर है, तो दोनों दोस्त में से कोई भी बने वो इक्वल हैप्पीनेस होगा मेरे लिए, क्योंकि वो लोग भी यही चाहते हैं, वो लोग भी अपने में भी ऐसे है, शॉर्ट है कि आप यार भाई मैं, भाई तू, भाई मैं, ऐसा इस टाइप का है, तो अल्टीमेटली देखा जाएगा जो भी बनेगा बहुत अच्छा लगेगा मुझे।